क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके कैटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके कैटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके कैटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। मध्य प्रदेश के खंडवा में आज फिर अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई शहर के मानसिंह मिल चौराहे से शुरू हुई, जो शहर के घासपुरा उर्दू स्कूल और मराठी स्कूल और कहारवाड़ी चौराहे होते हुए जलेबी चौक गोकुल होटल तक के ये कार्रवाई की गई है, जहां अतिक्रमण की टीम के द्वारा सड़क पर फैले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां टीम के द्वारा कई लोगों का सामान भी जेसीबी की मशीन से तोड़ा गया है। वही अतिक्रमण की टीम के द्वारा कुछ लोगों का दुकान के बाहर रखा सामान भी अतिक्रमण की टीम के द्वारा जब्त किया गया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई घासपुरा, कहारवाड़ी सहित जलेबी चौक क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। कई दुकानदारों का सामान टीम के द्वारा जब्त किया गया है। बीते कुछ दिनों से शहरवासी अतिक्रमण की समस्या को लेकर लगातार जूझ रहे थे। इसके बाद प्रशासनिक हमले ने शहर के मानसिंह मिल चौराहे से यह कार्रवाई शुरू की, जहां यह कार्रवाई घासपुरा, भगत सिंह चौक तथा कारवाड़ी चौराहे से लेकर पुरानी अनाज मंडी, गोकुल होटल तक के टीम के द्वारा अतिक्रमण जो है बाहर रखा था उसे हटा दिया गया है। कुछ अतिक्रमण को टीम के द्वारा जब्त भी किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ पक्के अतिक्रमण को भी जेसीबी की मशीन से अतिक्रमण के टीम के द्वारा तोड़ा गया है। साथ ही कुछ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। इस अतिक्रमण और कब्जे हटाने के दौरान नगर निगम उपायुक्त सचिन सिटोले और ट्रैफिक डीएसपी तथा और राजेश विभाग की टीम और तहसीलदार मौजूद रहे। प्रशासनिक हमले का कहना है कि शहर में फैले अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज यह कार्रवाई शहर के मानसिंह मिल से जो शुरू हुई, तो घासपुरा, भगत सिंह चौक, जलेबी चौक ये कार्रवाई की गई। हालांकि अतिक्रमण की टीम को देखते ही शहर में व्यापारियों में हड़कंप मच गया था। व्यापारियों का कहना है कि हम स्वयं ही अपना सामान जो है अपने हाथों से हटा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ जगह लोगों ने अपने हाथों से सामान हटा लिया है और कुछ लोगों का अतिक्रमण जो ज़्यादा फैला था उसे जेसीबी मशीन से अतिक्रमण की टीम के द्वारा उस अतिक्रमण को तोड़ा गया है। और आपको बता दें कि ये भगत सिंह चौराहे का ये नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड किनारे एक व्यापारी द्वारा बड़ी मात्रा में अतिक्रमण किया गया था, जिसे जेसीबी की मशीन से तोड़ा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा, ट्रैफिक थाने की पुलिस भी मौजूद रही, ट्रैफिक डीएसपी भी और नगर निगम के उपायुक्त भी मौके पर मौजूद रहे, ट्रैफिक थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला भी जो है मौके पर मौजूद रहे। बड़ी संख्या में प्रशासन की टीम जो है मौके पर मौजूद रही। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई है। हालांकि यह कार्रवाई आज मानसिंह मिल से शुरू हुई, तो जलेबी चौक गोकुल होटल तक की कार्रवाई की गई है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों का टीम के द्वारा बाहर रखा सामान जब्त किया गया, जिन लोगों के पक्के निर्माण थे उस पक्के निर्माण को जो है टीम के द्वारा जेसीबी मशीन से तोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये जलेबी चौक चौराहे स्थित गोकुल होटल का ये नज़ारा है, जहाँ गोकुल होटल के जो संचालक हैं इनके द्वारा बाहर करीब 4 से 5 फीट जो है अतिक्रमण किया गया था, जहाँ टीम द्वारा जेसीबी मशीन से वहाँ का अतिक्रमण तोड़ा गया है। प्याव जो बाहर रखा था गोकुल होटल का, पानी पीने का जो प्याव था, उसे भी टीम के द्वारा तोड़कर जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि जलेबी चौक चौराहे का ये नज़ारा है। Thank you.
नगर निगम और यातायात पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी फिर कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये क्षेत्र में फिर से वापस, जैसा हमने सब बताया था, वापस फिर से चौंका दें हो गया है, तो इसलिए ये दोबारा टीम जांच निकली है। कुछ कपड़े जब्त किए हैं? हाँ, एक ठेला जब्त किया है और बाकी जो अतिक्रमण मिल रहा है उसको हटाते जा रहे हैं, जब्त करते जा रहे हैं। तो लगातार कार्रवाई रहेगी? हाँ, ये तो समय समय पर चलती रहेगी। जब्ती की कार्रवाई रहेंगी या चालान तक जाएंगे? जब्त होगा, जब तो होगा, डिस्मेंटल होगा उसका, या चालानी कार्रवाई होगी, जैसा भी उचित होगा नगर निगम करेगा। देखिए, शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दोनों भी हमने मुहिम चलाई थी यातायात पुलिस के साथ में मिलके, अभी पुनः हमने ये मुहिम शुरू की है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो शहर में बेतरतीब अतिक्रमण है, जिससे यातायात व्यवस्था में बड़ी दिक्कतें आ रही है, जिससे गाड़ियों को निकलने में बड़ी समस्या आती है, इसको लेकर हमने फिर से मुहिम स्टार्ट की। पहले भी आपसे शुरू किया था लेकिन दोबारा फिर करने पड़ रही है? हाँ, इसे हम निरंतर रखेंगे, बीच बीच को गेप गेप देखे, जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा दिक्कत है वहाँ पुनः मुहिम शुरू की जाएगी। आज कहाँ था ये? आज हमने मानसिंगा से शुरू किया था, ये कारवाड़ी से लेके हम वापसी जलेबी चौक पे इसका समापन करेंगे। हाँ, जो अतिक्रमण में जो भी आएंगे उनको हम जब्त कर रहे हैं। एस आर सिटोले, डिप्टी कमिश्नर।